Good evening, everyone. Now, my topic is Auguste Comte and Positivism. Now, I am Sudhanna Sengupta. Welcome to my sociology channel. So, father of sociology किसको बोला जाता है? Father of sociology बोला जाता है Auguste Comte को. तो इनका जो सोशियोलॉजी हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने पहले इनको हम लोगों के सामने रखा था, इसीलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है. तो पॉजिटिविज्म मतलब क्या है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी वो किन किन थिंक थियोरी के ऊपर उन्होंने काम किया था? एज यू नो, आप लोग जानते होंगे, एक है थियोलॉजिकल, दूसरा है सेकंड है मेटाफिजिकल एंड थर्ड है पॉजिटिविटी. तो पॉजिटिविटी इज वन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट थिंग. उनका जो बुक है जो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फिलोसॉफी के ऊपर उनका एक बुक है, द मेन फोकस ऑन द पॉजिटिविज्म इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल वर्ल्ड. उन्होंने सोशल वर्ल्ड के ऊपर साइंटिफिक जो स्टडी है उन्होंने ये किया था. उन्होंने क्या किया था? ए लॉ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स इन पॉजिटिविज्म. हम लोगों के यूनिवर्स में जो फोर्सेस काम कर रहा है वो एक दूसरे के साथ लगा हुआ है, अटैच है, क्योंकि एक फोर्स के वजह से, एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी हो गए, फोर्स के वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. इसी को उन्होंने पॉजिटिविज्म का नाम दिया है. इसी को उन्होंने बोला है कि दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म. लॉज आर द टेस्टेड अगेंस्ट द कलेक्टेड डेटा ऑफ द सिस्टमेटिकली. तो हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको सिस्टमेटिकली उनको दिखाना, इसी को उन्होंने पॉजिटिविज्म बोले हैं. तो पॉजिटिविज्म मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है यूनिवर्सल लॉज के ऊपर, एक डायनामिक सोशल यूनिवर्सल स्टडीज को हम पॉजिटिविज्म बोल सकते हैं. इसी के ऊपर ऑगस्ट कॉम्ते ने काम किया. तो सोशल वर्ल्ड को हम दोनों तरफ से डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक. स्टैटिक मीन्स जो फिक्स्ड है एंड डायनामिक मीन्स जो फिक्स्ड नहीं है. ऐसे ही यहाँ पर जो है, जो को एग्जिस्टेंस है, जो फिक्स्ड है, जो चल रहा है वही होगा. और सोशल डायनामिक जो है लॉ ऑफ सक्सेशन के ऊपर, मतलब एक तो है को एग्जिस्टेंस के मतलब आपके पूर्वजों के बारे में जो बात होता है. सोशल डायनामिक मतलब लॉ ऑफ सक्सेशन आपके फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात होता है, इसी को बोलते हैं सोशल डायनेमिक. इसी के बारे में उन्होंने बात किया था. सोशल वर्ल्ड वाज द रेगुलर एंड ऑब्जेक्टिव एज वाज द नेचुरल वर्ल्ड. सोशल वर्ल्ड नेचुरल वर्ल्ड के साथ रेगुलर है एंड उसी का ऑब्जेक्टिव है. तो यही था उनका मेन कॉन्सेप्ट ऑगस्ट कॉम्ते का. ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच. प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन, गुड बाय.